everyone. Hello. Hi, everyone. Hello, everyone. How are you all? I hope you're doing great. And once again, welcome back to my channel. So, today in this video, why do I keep clapping my hands? I need to stop this. So, in this video, I'm gonna be showing you how to apply your foundation like a pro. So, सबसे पहले what I'm gonna do is I'm gonna, you know, मैं अपने eyebrows पहले बनाऊंगी. Like honestly, it's so hard for me to, you know, do my brows because इतनी कोई concentration चाहिए होती है आपको कि अगर आप जरा सा भी यहाँ वहाँ हो गए, I think it's going to be messed up. जो मैंने कंसीलर लगाया है, अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने फिंगर्स की मदद से जो है इस कंसीलर को ब्लेंड करूँगी टैपिंग मोशंस में. फिंगर से जब आप ब्लेंडिंग करते हैं तो इस बात का ज़रूर जो है ख्याल रखें कि आप लोगों ने रगड़ना नहीं है अपनी स्किन को, ठीक है. सिर्फ टैपिंग मोशंस में आपको अपने जो भी प्रोडक्ट लगाया है, फाउंडेशन हो, कंसीलर हो, उसे आपने ब्लेंड करना है. नाउ आई एम डन विथ माय ब्राउज. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स फाउंडेशन पार्ट. फाउंडेशन लगाने से पहले मैं अपने फेस को प्राइम करूँगी ताकि मेरे जितने भी पोर्स हैं वो क्लोज्ड हो जाएं. यूजुअली आपके जो पोर्स होते हैं वो टी जोन एरिया में होते हैं, सो कोशिश करें कि आप जो हैं आप प्राइमर जो है अपने टी जोन एरिया में लगाएं. प्राइमर लगाने से होता ये भी है कि आपका जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा देर तक भी रहता है. इसके अलावा आपकी स्किन जो होती है वो स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे आपका जो फाउंडेशन है वो आपकी स्किन पे अच्छी तरीके से बैठ जाएगा. तो अब फाउंडेशन के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस मिस रोज फाउंडेशन इन द कलर बेज 3. मैंने जब फर्स्ट टाइम ये फाउंडेशन लिया था तो आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये फाउंडेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे होंगे, बिकॉज ये प्रोडक्ट काफ़ी चीप है और अगर इस प्राइस में आप लोगों को इतनी अच्छी कवरेज मिल रही है तो बाय इट राइट अवे. फाउंडेशन की एप्लीकेशन की बात आती है तो बहुत सिंपल है. आप चाहें तो डायरेक्ट अपने फेस पे लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने बैक ऑफ द हैंड यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि इस फाउंडेशन की कवरेज बहुत ज़्यादा है सो मैंने बहुत ही कम लगाया है. अब अगर हम ब्लेंडिंग की बात करते हैं तो फाउंडेशन को आप ब्यूटी स्पंज से भी ब्लेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये फ्लैट फाउंडेशन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं अपने फाउंडेशन को स्प्रेड करने के लिए. इसके अलावा एक और राउंड फ्लफी ब्रश आता है जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट आई डोंट नो वो कहाँ चला गया है, मुझे मिल नहीं रहा है. और मैं इस ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और टैपिंग मोशंस में सेम तरीके से इस ब्रश को, इस फाउंडेशन को इवनली अपने पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड करूंगी. मैं
इस ब्यूटी स्पंज से जो है अपने फेस पे जो मैंने जितना भी फाउंडेशन लगाया है उसको मैं स्मूथ करूँगी, क्योंकि जो ब्रश से आप जब अपने फाउंडेशन को स्प्रेड करते हैं तो क्या होता है कि आपके फेस पे लाइंस फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी। करना यूँ है कि आपको सिर्फ डैब 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 करना है, के अलावा आपने इस ब्यूटी स्पंज को भी रगड़ना नहीं है अपने फेस पे। रगड़ने से क्या होता है कि आपका मेकअप जितना भी किया हुआ होता है ना आपने, तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, वो नज़र नहीं आता। इसलिए अपने मेकअप को बचाएं और डैबिंग मोशंस करें। तो मैंने फाउंडेशन लगाया है उसे मैं सेट करूँगी। आप कोई भी सेटिंग पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली वो एरिया जो आपका टी जोन है, जहाँ पे आपका ऑयल जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। यहाँ पे मेरी ये वीडियो कंप्लीट होती है एंड आई एम गोना सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो, और इसके अलावा बस बाय, टेक केयर।